बड़ा सा जी आ गया आज हमारे एचएफवी हाउस के अंदर। और भाई जी से आप समझ चुके होंगे कि इसके अंदर आईक्यू Z7 5G है और ये रिव्यू यूनिट है और पेड वीडियो नहीं है। भाई पेड वीडियो और रिव्यू यूनिट में डिफरेंस होता है जिस पर हम अलग से बात करेंगे। तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। खोलने का पूरा इंतजाम तगड़ा किया हुआ है भाई साहब। जी के हमने दो टुकड़े कर दिए। अभी यहाँ पर भाई बॉक्स है फोन का, पॉपकॉर्न दिया है, मतलब भाई इसे खाते खाते आप हमारी वीडियो का पूरा आनंद ले सकते हो। और इसमें आईक्यू ने खर्चा तो तगड़ा किया है। कॉफी सैसे कप एक ही भेजा भाई। ये डायरी है जिसमें हम अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लिख सकते हैं। बहुत सही, रिसाइकल पेपर से बनी हुई है। अब बाकी अपने फोन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आईक्यू के पुराने बॉक्सों की तरह ये भी है। वैसे भाई काफी पावरफुल फोन बताया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर इस प्राइस के अंदर अभी डायमेंसिटी 920 प्रोसेसर मिलेगा और ये पहला फोन बन जाएगा इसके साथ। बाकी यहाँ पर फोन हमारे हाथ में आ चुका है साक्षात। मतलब जो बैक टेक्सचर है वो तो ऐसे दिया जैसे आईक्यू Z6 का था और यहाँ पर बस कैमरा मॉड्यूल उन्होंने चेंज करा है और फील भी लगभग Z6 जैसी है। नीचे देखते हैं बॉक्स में क्या है। यहाँ पर एक सिलिकन केस दिया है, USB 2 Type-C केबल है और ये 44 वोल्ट का चार्जर मिलता है बॉक्स में। बाकी सिम इजेक्टर टूल, तो इतना ही सब कुछ आपको बॉक्स में मिलता है। हमें थोड़ा सा टेस्ट करके मिलता हूँ आपको फोन को। अब आईक्यू Z7 को हमने कुछ घंटे यूज कर लिया और आपके भाई के ओपिनियन आपके सामने है। अब यहाँ पर भाई फ्रंट देखो तो इसके अंदर OLED पैनल दिया है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आईक्यू से या वीवो से कि भाई पंच होल कब डालोगे। मतलब ड्यू ड्रॉप नॉच मिल रहा है हमें और इस प्राइस रेंज के अंदर एक फोन है नोट 12 जो OLED पैनल दे रहा है और पंच होल मिलता है। तो यहाँ पर अगर पंच होल होता तो ये डिस्प्ले और ज्यादा खूबसूरत लगती, लेकिन यहाँ पर अगर इसके साइड बेजल्स की बात करें वो ठीक है और प्राइस के हिसाब से इसकी चिन का साइज भी बढ़िया मिल जाता है। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर कंटेंट देखा और भाई इसके अंदर 6.7 इंच का बड़ा सा पैनल है ये, जो कि फुल HD+ है HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ और इसमें आपको मिलती है 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अभी हम आउटडोर गए थे ना कैमरास को टेस्ट करने, वहां पर देखा कि आउटडोर विजिबिलिटी भी इसकी बढ़िया है, आपको सारी चीजें दिखते हैं आउटडोर में भी। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है इस प्राइस रेंज के फोनों के अंदर, यहां तक कि 30,000 वाले फोनों में भी सुनने के लिए मिल रहा है आजकल कि भाई 4K में फाइल प्ले नहीं हो रही है YouTube पे। तो हमने इसके अंदर ट्राई करा। अब इसके अंदर MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर दिया है। ये पहला फोन है इस प्राइस रेंज के अंदर जिसमें ये प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर के साथ Realme 9 Pro Plus आया था, उसके अंदर ना 4K में फाइल हैंडल नहीं होती थी। तो हमने YouTube पे जब इस पे चलाई तो यहां पर माइनर सी जिटरिंग मिलती है 4K वीडियो में, लेकिन जैसे आप 2K पे स्विच कर लोगे आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा और आप HDR के अंदर भी कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो YouTube पर और OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है, व्यूइंग एंगल्स में किसी तरीके का टिंट नहीं है और आउटर पीक ब्राइटनेस भी बढ़िया है। तो यहाँ पर ऑल ओवर डिस्प्ले अच्छी है, बस यहाँ पर पंच होल और होना चाहिए था। अब यहाँ पर आईक्यू ने भाई OLED पैनल दिया है तो ऑब्वियसली इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, इसकी रिकॉग्निशन काफी तेज है। बाकी इस फोन के अंदर मिलता है 90Hz का रिफ्रेश रेट। अब जब ये फोन हमारे पास स्टार्टिंग में आया था ये स्मार्ट स्विच पर लग के आया था, जिसकी वजह से ना इसमें मेरे को स्मूथनेस उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसको 90Hz पे लगाया और उसके बाद स्मूथनेस काफी अच्छी है इसकी, मतलब 90Hz के हिसाब से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अब ये फोन आता है भाई DDR4X रैम के साथ, 8GB की रैम है और 8GB तक ही आप एक्सपेंड कर सकते हो। बाकी इसके अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज है और रीडिंग और राइटिंग स्पीड आप यहां पर खुद देखिए, मतलब अभी सैमसंग ने A54 लॉन्च करा है उसके कंपैरिजन में डबल स्पीड है इसकी। और ऐप ओपन क्लोज की स्पीड भी देखो काफी तेज है, बट यहां पर मेरे को ना लग रहा है कि थोड़ी सी यहां पर एनिमेशन में मेरे को कमी लगी है, जैसे कि देखिए हल्का सा यहां पर एनिमेशन में जिटरिंग है। हालांकि इस प्राइस रेंज के अंदर मैंने देखा है जनरली कंपनियां ना एनिमेशन नहीं देती, जैसे कि हमने Realme 10 Pro देखा था उसमें एनिमेशन ही नहीं थी। तो यहाँ पर आपको एनिमेशन मिल रही है, बस थोड़ी सी जिटरिंग है। बाकी इस फोन के अंदर Android 13 मिलता है, 2 साल की OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा। और जैसे आईक्यू अपने फोन के अंदर कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन देता है वो भी इसके अंदर मिल जाती है, तो आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो इजीली। बाकी हॉट ऐप और हॉट गेम भी दी गई है इसके अंदर, बट अच्छी बात है इसके अंदर किसी तरीके का वल्गर एड नहीं मिलता और आप इसको भी डिसेबल कर सकते हो अंदर जाके। अब आता है इस फोन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसके अंदर इस प्राइस में Dimensity 920 प्रोसेसर दिया और ये नया प्रोसेसर नहीं है, ये प्रोसेसर हमने Realme 9 Pro Plus के अंदर यूज करा था, बहुत लंबा नाम हो गया। और भाई ये प्रोसेसर काफी कैपेबल है, हमने इसके अंदर भी टेस्टिंग करी और सीपीयू थ्रॉटलिंग के अंदर कंसिस्टेंसी काफी तगड़ी थी, जिप्स भी बढ़िया देखने के लिए मिले। और कमाल की बात तो ये है भाई सीपीयू थ्रॉटलिंग जैसे हैवी टेस्ट में भी इसका जो टेम्परेचर है वो 41 डिग्री के आसपास था और इसमें तो इतना था भी, हमने जब N2 रन कराया यहां पर स्कोर्स भी तगड़े देखने के लिए मिले और इसका टेम्परेचर 36 से ऊपर ही नहीं गया। तो यहां पर भाई इसके अंदर किसी भी तरीके का हीटिंग इशू हमें नोट नहीं हुआ है हमारी लाइव टेस्टिंग के अंदर। और कमाल की बात तो ये इसे किसी तरीके का लिमिट भी नहीं करा गया प्रोसेसर को, तो यहां पर ऑन पेपर बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अब यहां पर बात आती है इसके अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, तो यहां पर गेमिंग में भी आपको सेटिंग्स बिल्कुल फ्लैगशिप वाली मिलती है और इसके अंदर हमने भाई 20 से 25 मिनट गेमिंग करी है, 2B ऑनेस्ट, यहां पर इतना ही टाइम था, वीडियो जल्दी बनानी थी। तो यहां पर हमने जितना भी गेम प्ले करा काफी स्मूथ चलता है और सबसे अच्छी चीज है इसका टच सैंपलिंग रेट, इसमें 360Hz का जो टच सैंपलिंग रेट दिया है ना, जैसे कोई बंदा सामने आ जाता है इंटेंस सिचुएशन में वहां पर काफी यूजफुल है, काफी तेजी से स्कोपिंग कर सकते हो आप उससे। बाकी इसके अंदर भी आपको गेम मोड मिलता है जिसके अंदर आपको मोशन
कंट्रोल जैसे फीचर दिए हैं जिससे फोन को आप शेक करके रिलोड और स्कोपिंग कर सकते हो, जो हमने आइकोनियो 7 की वीडियो के अंदर आपको बताया था। बाकी इस फोन की जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस है गेमिंग के अंदर वो अच्छी है, स्पेशली जब आप इसके अंदर मॉन्स्टर मोड को इनेबल कर देते हो उस टाइम पर तो काफी स्मूथ परफॉर्मेंस है। बाकी इस बार आईकू ने ना IPX रेटिंग के साथ ये फोन दिया, थोड़ा बहुत पानी जाता डस्ट जाता है हैंडल कर लेगा। और इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें इसके अंदर अच्छे 5G के बैंड मिल जाते हैं, इंडोर भी हमें मस्ट 5G मिला है और आउटडोर तो मिला ही मिला है। बाकी इसके अंदर ना आपको वाईफाई 6 की कनेक्टिविटी मिली है जो कि इस प्राइस के अंदर कम ही देखने के लिए मिलती है, तो यहाँ पर कनेक्टिविटी के मामले में भी ये फोन ठीक है। अब इस फोन के कैमरास की बात कर लेते हैं, भाई इस प्राइस के अंदर OIS मिल रहा है 64 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर। और हमने पास्ट में देखा है जनरली कंपनी ऐसी OIS बोल देती है हमने OIS दिया लेकिन स्टेबल रहती नहीं है वीडियो, तो यहाँ पर हमने वीडियो रिकॉर्ड करी है, इसके अंदर स्टेबिलाईशन काफी अच्छी देखने के लिए मिली है। 4K 30 FPS तक इसमें लास्ट सेटिंग है और 4K 30 तक आपको स्टेबिलाईशन मिल जाती है। यहाँ पर EIS और OIS दोनों को यूज करके वीडियो रिकॉर्ड करता है। बस हमने देखा कि वीडियो के अंदर ना कभी कभी सब्जेक्ट पे फोकस लूज कर देता है, बट ऑल ओवर प्राइस के हिसाब से यहाँ पर वीडियो क्वालिटी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर अब हमने एक वीएड चीज भी नोट करी है इसमें जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, यहाँ पर 1080p 30 से जब आप 4K 30 में स्विच करोगे तो स्टेबिलाईशन ना इनेबल रहती है, लेकिन जब आप 1080p 60 से 4K 30 में स्विच करोगे तो स्टेबिलाईशन डिसेबल हो जाती है जिसको आपको फिर से मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वीएड चीज हमें एक दो बार नोट हुई, बट अभी ना फोन के अंदर ये चीज सही चल रही है। बाकी हमने कुछ ही फोटो सैंपल्स लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट कंट्रोल बैकग्राउंड में काफी अच्छे से कर लेता है, डायरेक्ट सनलाइट भी अच्छे से कर रहा है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ना मेरे को इवन स्किन टोन लगा है, और ये स्किन टोन हमने सेम ना देखा था जो इस प्रोसेसर के साथ दूसरे फोन आए थे उसमें भी। तो यहाँ पर शायद इस प्रोसेसर की जो ISP है वही ऐसी हो, बट यहाँ पर जैसे आप HDR लगा लोगे ना खुद से उस टाइम पे जो स्किन टोन है वो काफी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन अच्छा है और मेरे को कैमराज ना इंप्रेसिव लगे भले यहाँ पर एक कैमरा काम का हो। बाकी फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है और यहाँ पर आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हो, और इस फोन के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी है। एंड हर फोन की तरह ये फोन भी 1080p 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, बाकी स्टेबिलाईशन तो नहीं मिलती। और यहाँ पर मेरे को कलर्स वगैरह ठीक लग रहे हैं बट वीडियो के, बाकी आप बताना आपको ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसी लगी इस फोन के फ्रंट कैमरे की। अब वीडियो क्वालिटी तो गई, यहाँ पर फोटोज भाई फ्रंट की मेरे को काफी इंप्रेसिव लगी। यहाँ पर डायनेमिक रेंज अच्छा है, HDR अच्छे से हिट कर लेता है, और यहाँ पर अगर आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन देखो और इसका प्राइस देखो तो भी काफी इंप्रेसिव लगा है। तो यहाँ पर ऑल ओवर फ्रंट कैमरा भाई इस प्राइस के अंदर इसका सबसे कमाल का लग रहा है मुझे अभी तक। बाकी इस फोन के हैप्टिक्स काफी अच्छे हैं, इसमें आपको स्प्रिंग हैप्टिक्स मिलते हैं लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत सही है। और इस फोन के अंदर ना मोनो स्पीकर्स दिए गए हैं, इसकी साउंड क्वालिटी तो ठीक है लेकिन अभी ना ब्रांड को भाई स्टीरियो स्पीकर्स डाल देने चाहिए फोन के अंदर। बट इस फोन के अंदर 3.5mm जैक का गड्ढा दिया है, तो आप अपने ईयरफोन्स को यूज करके मस्त गेमिंग कर सकते हो, और है भी एक तरीके से इस प्राइस में गेमिंग फोन ही। और इस पतले से फोन के अंदर ना 4500mAh की बैटरी विद 44W फास्ट चार्जिंग। अब हमने इसे चार्ज तो नहीं करा लेकिन ब्रांड क्लेम कर रहा है कि अगर आप इसके 44W से चार्ज करोगे ना तो 25 मिनट में 50% चार्ज हो जाएगा, तो देखते हैं कितना सच है भाई ब्रांड की बातों में, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे जब हम इसका रिव्यू या कंपैरिजन लाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नए हो चैनल पर। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो कर ही दोगे मुझे पता है, 10,000 लाइक का एम करते हैं, और शेयर करिए अपने उस दोस्त के साथ जो कि इस फोन को लेना चाहता है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन मैं कैसे करे टू वॉच यू हार्ट फील स्टेट विद एचएफवी अनबॉक्स गाइस, बाय।